हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। Redmi K20 के बारे में दिन ब दिन कोई ना कोई लीक सामने आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं आज कौन सा नया लीक आया है और सभी की सभी लीक्स के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi K20 को लेकर कंपनी ने कई डिटेल्स कंफर्म कर दिए है। अब Xiaomi द्वारा पोस्ट किए गए एक नए पोस्टर से सब ब्रांड Redmi ने नई डिटेल्स कंफर्म की है। Redmi ग्लोबल द्वारा पोस्ट किए गए नए टीजर के अनुसार अपकमिंग Redmi K20 में Redmi Note 7 सीरीज की तरफ 4000 mAh की बैटरी सेटअप दिया जाएगा। Xiaomi Redmi ने वाइबो पर Redmi K20 की बैटरी के बारे में घोषणा कर दी है। कुछ अफवाहों के अनुसार फोन में 27 वॉट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ आ सकता है। इसे पहले Mi 9 में भी देखा गया है। Redmi ने अभी इस डिटेल को कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन Redmi K20 के बारे में अब तक कई लीक्स आ चुकी है। जानते हैं इस फोन के बारे में जो लीक आए हैं उसी के बारे में। Redmi K20 चीन में 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। Xiaomi इंडिया में यह कंफर्म किया गया है कि Redmi K20 को जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। Redmi K20 दो वेरिएंट K20 एंड K20 Pro में आ सकता है। भारत में इसको K20 Pro को Poco F2 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि Poco F2 को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है। Redmi K20 सीरीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर दिया जा रहा है। लिस्ट के अनुसार K20 6.39 इंच की OLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है। Redmi K20 में 32 मेगापिक्सल का सेंसर के साथ साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। लीक स्पेसिफिकेशन शीट के अनुसार फोन के रियर पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 30 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर दिया जा सकता है। नई लीक के अनुसार Redmi K20 Pro में 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 कैमरा और 960fps स्लो मोशन रिकॉर्डिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। अंततु में Redmi K20 फ्लैगशिप किलर में 458754 स्कोर मिला था। तो Redmi K20 के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।